गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। जी हाँ दोस्तों, जब संविधान में संशोधन किया गया, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें जो मौलिक अधिकार थे उसको संशोधन को लेकर चर्चा की गई कि मौलिक अधिकारों में जो है संविधान संशोधन का जो अधिनियम है 368, क्या उसके अंतर्गत इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इस मामले में जो पहला वाद आया वो हमारा शंकरी प्रसाद मामला, जो 1951 में आया था, उससे संबंधित था। तो इसके बाद एक गोलकनाथ मामला 1967 में आया, और इसी प्रकार से कई सारे जो मामले थे वो सामने आए। और आज की जो हमारी मुख्य चर्चा है वह यही है कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, और इनसे संबंधित जो मामले हैं वो कौन से थे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मूल संरचना के संबंध में जो मुख्य वाद आए थे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला वाद शंकरी प्रसाद मामला, जो 1951 में आया था। दूसरा गोलकनाथ मामला, जो 1967 में आया। इसी प्रकार से केशवानंद भारती मामले की बात करते हैं तो ये 1973 में जो है वो अस्तित्व में आया था। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन जो था वो 1976 में जो किया गया था वो उस समय पर प्रकाश में आया था। इसी तरीके से मिनर्वा मिल्स की बात करते हैं तो ये 1980 में जो है 1980 में इससे संबंधित मामला जो था वो प्रकाश में आया था। और जो अंतिम वामन राव मामला था वो 1981 में जो है वो स्पष्ट होता था। तो शंकरी प्रसाद मामले में जो स्थिति थी वो पहले संविधान संशोधन को लेकर थी, और इस मामले में चुनौती या जो समस्या थी वो यह थी कि क्या संसद जो है 368 आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की जो उसकी अधिकारिता है, क्या वो उसका प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। तो इसको लेकर के जो थी ये व्यवस्था दी गई थी। जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना मत दिया, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे उसमें ये रखा गया कि जो संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की जो शक्ति है उसके अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अर्थात शंकरी प्रसाद मामले में 368 के तहत संविधान संशोधन जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन की अधिकारिता को जो है सुनिश्चित करता है। तो जो आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द के अंतर्गत बातें आती हैं उसकी संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो उसके अंतर्गत है या नहीं, इस पर जो है ये चर्चा की गई। अब हम आगे देखते हैं गोलकनाथ मामला, जो 1967 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो उसने अपनी जो पहली वाली स्थिति थी उसको बदल दिया, और इस मामले में जो 17वां संविधान संशोधन था जो 1964 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, उसमें चुनौती दी गई थी जिस कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें राज्य द्वारा की जाने वाली जो कार्यवाही है, क्या उसको जोड़ दिया जाए या ना जोड़ दिया जाए, उससे संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस मूल अधिकारों को लेकर जो ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल वाली जो कंडीशन थी उसको अस्तित्व में लाया। और इस प्रकार से जो है संसद जो है मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती थी और न ही कोई भौतिक आधार को वापस ले सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम का जो अनुच्छेद 13 है उसके अंतर्गत जो है एक कानून है, और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से जो है गोलकनाथ मामले में ये प्रकाश में आया, और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस मामले के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय मान लिया गया। अब आगे हम बात करेंगे केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामला 1973 में अस्तित्व में आया था, और इसने जो है गोलकनाथ मामला था उसको ओवर रूल कर दिया था। और जो 24वां संविधान संशोधन उस समय पर चर्चा में था जो 1971 में किया गया था, उसकी वैधता को इसमें बहाल रखा गया और व्यवस्था दी कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या किसी अधिकार को जो है वापस ले सकती है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है इसके अंतर्गत दी गई थी। साथ ही इसमें एक बात और रखी गई
कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक नया कंसेप्ट इसमें दिया था जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कह सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस जो वाद था, ये मामला जो था, उसमें दो बातें मुख्य रूप से आईं। एक, संसद जो था वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती थी, और दूसरा जो था वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते थे। तो इस प्रकार से मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट था वो हमारा केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो हम इसमें ये मान सकते हैं कि जो 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार थे उसे वो संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देता है, अर्थात 368 के तहत जो है बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये बात केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अब हम जो मूल संरचना से संबंधित सिद्धांत था उस पर 42वें संविधान संशोधन पर चर्चा कर सकते हैं जो 1976 में। इस संशोधन के अंतर्गत जो है संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं तय की गई, अर्थात उसे हम ये नहीं माना कि संविधान जो संसद है वो किसी भी सीमा तक जो है संशोधन कर सकती है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो थी वो 42वें संविधान संशोधन में आया, जो ये कहने के लिए मजबूर था, या ये कहेंगे उसमें इस प्रकार का कोई भी आधार, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो, उससे संबंधित जो है वो संशोधन को एक अनुमति के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम आगे बात करते हैं मिनर्वा मिल मामला। मिनर्वा मिल मामला जो था वो 1980 में आया, और इसने जो था 42वें संविधान संशोधन को जो है उसको एक तरीके से अमान्य कर दिया, और इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए चूंकि कोई स्थान नहीं रखा गया था 42वें संविधान संशोधन में, और इसी वजह से जो है इसको अमान्य कर दिया गया था। आप लोग समझते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का जो है एक व्याख्यात्मक, एक उसका इंटरप्रेटर है, उसकी व्याख्या करने वाला संस्थान है, और चूंकि इसमें न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं थी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया। अगर आप लोगों को पता हो तो संविधान ने संसद को सीमित और संशोधनकारी जो शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद जो है इसे निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती है। वास्तव में जो संसद की संशोधनकारी शक्ति है वो संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। इस प्रकार शक्ति की जो सीमाबद्धता है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे हम असीम नहीं कर सकते हैं। तो 368 के अंतर्गत जो संसद को ये शक्ति हासिल है उसकी एक सीमा है। अगर हम बात करते हैं वामन राव मामले में, तो वामन राव मामले में जो है जो 1981 में आया था उसको पुनः मूल संरचना के सिद्धांत को जो है मान लिया गया, और इसमें जो 24 अप्रैल 1973 का वाद था जो केशवानंद भारती मामला जाना जाता है, उसके बाद से जो भी संविधान संशोधन किए गए उन सब पर जो है ये मूल संरचना का सिद्धांत लागू माना गया 24 अप्रैल 1973। ये डेट याद रख सकते हैं आप लोग, 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी संविधान संशोधन किए गए उसमें मूल संरचना के संबंध में ये माना गया कि मूल संरचना से संबंधित कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो वामन राव वेस्लाव जो है इस जो वामन राव का जो मामला है वो इस संबंध में एक अपनी स्थान रखता है। अब हम बात करेंगे मूल संरचना से संबंधित भारतीय संविधान में कौन कौन से तत्व हैं, तो कुछ स्पष्ट किए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, 136 की बात करते हैं, या 141, 142, तो ये सब की सब जो हैं सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई हैं इसके अंतर्गत। अगर हम 142 की बात करते हैं तो इसमें जो है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उससे संबंधित बातें की गई हैं। इसमें तर्क संगतता का सिद्धांत भी आता है, या जो कोई न्याय है उसका प्रभाव कैसा हो, तो न्याय तक प्रभावकारी पहुंच जो है वो किस प्रकार से हो, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी हमारी मूल संरचना तक सीमित है। संविधान संशोधन की जो संसद की सीमित शक्ति है वो भी एक प्रकार की मूल संरचना है,
या न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, समत्व का सिद्धांत है, कानून का शासन है, संसदीय प्रणाली है, वैयक्तिक स्वतंत्रता और गरिमा की बात की गई है या कल्याणकारी राज्य है, इस प्रकार के और जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब जो हैं मूल संरचना से संबंधित तत्व हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को मूल संरचना के संबंध में जो है इस प्रकार की जो चर्चा है वो समझ में आई होगी। दोस्तों, मूल संरचना आप एक दर्शन है जो हमारी प्रस्तावना में देखने को स्पष्ट रूप से मिल जाता है कि भारत जो है एक संप्रभुत्व संपन्न है, तो संप्रभुता जो है वो भी भारत की एक मूल संरचना से संबंधित विशेषता है। इसी रूप में हम लोकतांत्रिक हैं, गणराज्य हैं, हम एक सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में बात करते हैं, अर्थात एक हम कल्याणकारी राज्य का स्वरूप स्थापित करते हैं। तो ये सब मूल संरचनाएं हैं। तो मूल संरचनाओं से संबंधित जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोगों को उसकी विशेषताएं और साथ ही साथ जो प्रेम्बल्स है उसका जो दर्शन है, जो उसकी फिलॉसफी है उसके पीछे, उसको हम अपने दिमाग में रखें तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको करना जो है आसान होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की हम अगली एक रोचक जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।